मार्केट में चर्चा है कि होंडा की 100 आ गई है। अब हर जगह आप देखेंगे होर्डिंग नजर आ रही है, टीवी पे एड नजर आ रहा है, डिजिटल कैंपेन हो रहे हैं। तो भैया हमने भी सोचा क्यों ना होंडा की 100cc को टेस्ट किया जाए और आप लोगों को हम अपने नजरिए से बताएं कि आखिर इस होंडा शाइन में क्या है, क्या कमी रह गई है और क्या चीजें बेहतर हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। तो है क्या कि ये होंडा की शाइन, आप देखेंगे शाइन इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कि 125cc में शाइन एक जबरदस्त बाइक है, लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसीलिए कंपनी ने सोचा कि 100cc में हमारे पास कोई बाइक नहीं है तो हम यहाँ पर शाइन के साथ में आ जाते हैं। अब 110cc में कुछ साल पहले इन्होंने लॉन्च किया था बाइक CD110, जो कि उतना सक्सेस नहीं हो पाई, या हम ये कह लें उतने नंबर्स नहीं हो पाए जो कि हीरो की मार्केट, जो HF और स्प्लेंडर की मार्केट को ये तोड़ पाए। तो अब इन्होंने तोड़ निकाला है होंडा शाइन 100 के रूप में। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले प्राइस की बात करूँ तो इसका एक शोरूम प्राइस दिल्ली है 64,900 रुपीज। ये प्राइस अगर आप हीरो की बाइक से अगर आप कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा कम ही प्राइस हो जाता है। अब यहाँ पर मुद्दे की बात है कि इंजन कैसा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इंजन क्या है कि अराउंड इसका पावर प्रोड्यूस करता है 7.28 PS के आसपास यहाँ पर पावर आ जाती है, 100cc का इंजन है। इसके अलावा क्या है कि 8.05 Nm के आसपास यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है, 4 गियर ट्रांसमिशन के साथ में बाइक आ जाती है। होंडा का इंजन है, होंडा के इंजन हमेशा से अच्छे रहे हैं, इनकी इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। बाकी एक बार स्टार्ट करके भी आपको मैं सुनवा देता हूँ, काफी शांत इंजन है इसका। बाकी हम बाइक को जब चला कर देखेंगे फिर बताएंगे कि आखिर ये बाइक कैसी है, मतलब इसका इंजन कैसा है। लेकिन अगर मैं शुरुआत करूं फिट एंड फिनिश और इसके डिजाइन से, तो इन्होंने भरपूर कॉस्ट कटिंग की है, मतलब इतना ज्यादा पैसा काटा है। जैसे बात करते हैं फ्यूल टैंक से, 9 लीटर का फ्यूल टैंक है, 9 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ में प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल टैंक भैया इतना पतला डिजाइन किया है कि मतलब देखने में बड़ी अजीब सी लग रही है। सीट लेंथ अच्छी है, ठीक ठाक चौड़ी मिल जाती है, कुशन भी ठीक ठाक यहाँ पर रखा गया है। ओवरऑल अगर मैं फिट एंड फिनिश की बात करूँ ठीक ठाक है, लेकिन उतना जो होंडा के साथ में क्वालिटी उतनी अच्छी रहती है ना, वो चीज़ यहाँ पर फील नहीं कराती है। जैसे आप यहाँ पर इसके हाउसिंग वगैरह देखोगे काफ़ी नॉर्मल सा यहाँ पर फील कराता है। बाकी अगर यहाँ आ गए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, इधर फ्यूल इंडिकेटर है, फ्यूल मीटर है और बाकी न्यूट्रल की लाइट है, इंजन मैनुअल फंक्शन इंडिकेटर का है और यहाँ पर लो बीम हाई बीम का है। वही हेलोजन बल्ब के साथ में ये बाइक आ जाती है। हेडलैम्प ठीक ठाक यहाँ पर डिजाइन किया है, नॉर्मल सा आ जाता है। सिंगल पीस में इसका यहाँ पर हाउसिंग दी गई है, ब्लैक फिनिश्ड है और यहाँ पर फेंडर नॉर्मल से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यहाँ पर अलॉय व्हील 17 इंचेस के देखने को मिल जाते हैं। साइड में आते हैं तो यहाँ पर क्या है, साइलेंसर आप देखेंगे भाई साहब, साइलेंसर ऐसा इन्होंने डिजाइन किया, इतना पतला सा इसका एक जैसा होता है ना पाइप, लगता है ऐसा लगता है कि कोई पैर मारेगा या कहीं लड़ेगी तो टूट जाएगा। तो साइलेंसर काफी पतला इन्होंने डिजाइन दिया गया है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा इनको बेहतर करने की जरूरत थी। सस्पेंशन ठीक ठाक यहाँ पर मिल जाते हैं, रियर टायर साइज भी ठीक मिल जाता है, ठीक ठाक चौड़ा आ जाता है, या मुझे थोड़ा साइलेंसर के साथ में ड्रॉबैक लगा। इसके अलावा क्या है कि यहाँ हल्का सा क्रोम का ट्रीटमेंट कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये थ्रॉटल बॉडी है उसको कवर रखा गया है। यहाँ पे ESP लिखा है, इनहेंस स्मार्ट पावर। अभी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे क्या है कि फ्रिक्शन कम होता है, यहाँ पर स्मूथनेस आती है और इंजन बेहतर परफॉर्म करता है। बाकी ग्रैबरल यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिल्वर फिनिश रखा गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे काफ़ी बेसिक सी बाइक डिज़ाइन की है, लेकिन ये है जिनको इनिशियली बाइक परचेस करना है वो इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। साइड स्टैंड अगर लगा होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सेंसर दिया गया है। अगर आप बाइक स्टार्ट है, आप साइड स्टैंड लगा देते हो गियर में होगी तो बाइक बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर मैं हैंडल की बात करूँ, हैंडल बार ठीक ठाक यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर स्विचेस भी ठीक ठाक यहाँ पर हैं, स्विचेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफिक्स मुझे उम्मीद थी कि नए कुछ ग्राफिक्स आएंगे, लेकिन क्या है 5 कलर का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। ग्राफिक्स आपको वही जो होंडा की सभी बाइक्स में जिस तरह से ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वैसे कुछ डिज़ाइन किया गया। हालांकि अभी जो SP125 आ रही है उसमें काफ़ी बेहतर यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं, नॉर्मल से यहाँ पर होंडा की बैजिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। साइड मिरर अच्छे हैं इसके, रियर पर विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है और इसके अलावा क्या है कि फिट एंड फिनिश भी इसका साइड मिरर का यहाँ पर मुझे ठीक ठाक लगा। लेकिन ये क्या है कि कुछ चीज़ों में यहाँ पर होंडा ने कॉस्ट कटिंग कर रखी है। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 786 mm के आसपास में सीट हाइट आ जाती है। सीट हाइट जबरदस्त है, मतलब शॉर्ट हाइट वाला बंदा होगा ना उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी।
इजीली वो बैठ के बाइक को चला सकता है। तो सीट हाइट जब कम है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा, तो 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 170 के आसपास होता तो बेहतर रहता, लेकिन ऐसा कोई शिकायत नहीं है कि भैया इतना है तो ख़राब है। ये चीज़ें हैं, सीट हाइट के मामले में अच्छा है। मेरी हाइट अराउंड 5'9" है, बहुत ही ईजिली मैं बैठ पा रहा हूँ, ऐसा कुछ पॉस्चर आता है। बस मुझे फील जो करा रहा है ना, फ्यूल टैंक फील करा रहा है, और पीछे भी ठीक ठाक जगह है आराम से, या बीच में अगर कोई बच्चा वगैरह बैठाना चाहोगे बैठा सकते हो। जब हमने इस बाइक को चलाकर देखा तो इसमें कुछ चीजें मुझे पॉजिटिव लगी और कुछ चीजें यहाँ पर नेगेटिव लगी। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात करूँ तो इसमें कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पावर की कहीं कमी लग रही हो, पावर हर एक गियर पे आपको एक बराबर पावर मिलती हुई चली जाती है। इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो इंजन रिफाइनमेंट भी ठीक ठाक मिली, उतना ज्यादा रिफाइन नहीं है लेकिन मुझे ठीक ठाक यहाँ पर रिफाइनमेंट लगा, बाइक बढ़िया चलती है। लेकिन क्या है कि ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि जो इसका वेट है वो 99 kg है, और जब आप इस बाइक को लेके निकलोगे अगर तेज हवा का झोंका आएगा तो आप फील भी करोगे कि बाइक इधर उधर भाग रही है, ये चीज मैंने काफी ज्यादा महसूस की। वहीं इसका राइडिंग पोस्चर काफी सही लगा, आप थोड़ा बहुत लंबी राइड भी करोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका वेट हल्का है और आप इस बाइक को सिटी में चलाते हो तो इसको हैंडल कर पाना काफी आसान रहेगा। टर्निंग रेडियस भी इस बाइक का काफी सही है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन इसका मुझे ठीक ठाक लगा, और वहीं जो इसका सीट कम्फर्ट है वो काफी अच्छा रहा। तो ओवरऑल देखा जाए काफी चीजें यहाँ पर बेहतर है और काफी चीजें यहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। का वेट कम होना एक बड़ा ड्रॉबैक मुझे महसूस हुआ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।